So today we'll be learning the concepts related to system design, and with respect to system design, what is input design, and when we are taking into consideration the input design, what factors need to be considered. We'll see those things in details. Okay. Till now we have seen what are requirements, how they are analyzed. On the basis of requirements, the analysis, the feasibility study, it is given a thought whether that particular system is to be designed or not. Then we have seen various representation methods and fact collection methods, how we can gather the information and it put it in a proper way so that the person involved in the development of system analysis, the user, the developer, the tester, all are known with that particular system, the flow of that particular system. अब हम देखेंगे कि अब हम रेडी हो गए हैं विद द डिटेल्स. नाउ वी आर रेडी टू डिजाइन दैट सिस्टम. तो जब सिस्टम डिजाइन करना है तो इनपुट सबसे पहले लेना है. तो इनपुट लेने के समय हमको क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से उसको डिजाइन करना है, ताकि वो जब पूरी सिस्टम डेवलप होके मेंटेनेंस तक आए तो कहाँ कहाँ उसमें फ्लॉज नहीं हो, कहाँ वो बहुत रोबस्ट हो, कहाँ वो लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सके, ये सारा हमको इनपुट डिजाइन के समय ध्यान देना है. ठीक है. सो क्या क्या करेंगे हम लोग, विल सी इन डिटेल्स. सो नाउ व्हाट आर सम कॉमन क्लॉजेस. सी, जब हम इनपुट देते हैं तो यूजर कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ इनपुट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं एक्सपेक्टेड है स्मॉल लेटर्स में लिखना, और हो सकता है गलती से यूजर का कैप्स लॉक प्रेस हो गया होगा और उसने सारा कैपिटल में डाल दिया. या जनरली हमारी आदत है कि शिफ्ट का बटन हम प्रेस करते हैं तो हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल आ रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि आप जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या इनपुट कर रहे हो तो वो कुछ भी थोड़ा भी इट कैन बी मिस्टेक. ओके. उस समय हाउ यू विल हैंडल दैट. सो कॉमन क्लॉजेस ऑफ इनवैलिड डेटा या इनवैलिड डेटा होने का क्या क्या सिचुएशन है वो हम देखेंगे. फर्स्ट है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट एक्सप्लेन प्रोसीजर्स फॉर डेटा प्रिपरेशन. यानी जब डिजाइन होते समय ही जिस तरीके से उसने डेटा के साथ काम करना चाहिए वो समझा ही नहीं प्रॉपर, और उसके हिसाब से उसने उसके जो भी कंस्ट्रेंट्स थे वो डिजाइन में डाले ही नहीं, तो दैट विल इन फ्यूचर रिलेट दैट टू कोडिंग एरर. जैसे वहां पे कहीं डेटा वैलिडेशन ही नहीं लगाए. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने नेम वाला ब्लॉक यूज किया है तो उस नेम वाले ब्लॉक में आपने सिर्फ अल्फाबेट्स ही एक्सपेक्ट करने चाहिए, बट किसी ने अगर अल्फाबेट्स की जगह नंबर डाल दिए तो वेदर इट इज टेकिंग दैट नंबर्स एज ए इनपुट और इट इज गिविंग सर्टेन एरर मैसेजेस, एंड दैट पर्टिकुलर यूजर साइड से जो इनपुट आ रहा है उसको प्रॉपरली उसने रेस्ट्रिक्ट किया कि नहीं, वो भी अगर ओवरलुक हुआ या मिसइंटरप्रेट हुआ तो दिस विल लीड टू कोडिंग एरर्स. देन ऑपरेटर मिस्टेक्स इन डेटा कैप्चरिंग, जहां पे जो चीज जिस फॉर्मेट में लेनी चाहिए, ऑपरेटर ने जब डेटा इनपुट लेना चाहिए था उसने उस पैटर्न में या उस कंस्ट्रेंट्स के साथ नहीं लिया. डेटा ही बहुत मलिशियस था, मलिशियस इन द सेंस जिसमें कुछ एम्प्टी फील्ड्स थी, कुछ प्रॉपरली कंटेन्ड डेटा नहीं था, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं था, तो दैट टाइप ऑफ डेटा इज फॉल्टी डेटा. सो वो डेटा तो नहीं आया. या जैसे अभी ड्यू टू कुछ डेटा हमारा नेटवर्क पे ट्रांसफर होता है तो उस समय ऐसा हो सकता है कि उस डेटा के साथ कुछ अनवांटेड डेटा भी, जिसको हम नॉइस कहते हैं या कुछ डिस्टॉर्शन कहते हैं, जो इनपुट लेते समय ट्रांसमिट होते समय उस इनपुट के साथ जुड़ गया होगा, तो ऐसे डेटा के वजह से भी इनवैलिड डेटा जनरेट होता है. ठीक है. सो नाउ अब अगर हमको वैलिडेशन चेक करने हैं कि जब हमको डेटा इनवैलिड फॉर्म में नहीं चाहिए तो क्या क्या चेक करना चाहिए. डेटा शुड बी कंप्लीट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पिन कोड अगर मैंने बोला तो इट शुड बी 6 डिजिट्स पिन कोड, राइट? तभी तो वो वैलिड डेटा रहेगा.
तो जब भी कोई नंबर टाइप करता है पिन कोड का, तो वो नंबर इस तरीके से टाइप होना चाहिए कि इट्स लेंथ शुड बी 6 एंड ओनली 6 डिजिट्स, 5 भी नहीं और 7 भी नहीं, ठीक है? या जैसे फोन नंबर का है तो 10 डिजिट शुड बी योर फोन नंबर। कुछ लोग +91 लिखते हैं फॉर इंडिया, तो वो +91 नहीं चाहिए। कुछ लोग 2 5 डिजिट के सेट के बीच में स्पेस डालते हैं, तो वैसा भी नहीं चाहिए। तो इन इनकम्प्लीट आपका जो डेटा चाहिए वो कैसा चाहिए, 10 डिजिट नंबर, तो वो अगर है तो कंप्लीट है, नहीं है तो कंप्लीट आपका डेटा आपने इनपुट नहीं किया है, तो ये आपके वैलिडेशन चेक्स में आ सकता है। नेक्स्ट है जैसे अभी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने वो डेटा एक्सपेक्ट करना है उसी फॉर्मेट में आया क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करना चाह रही हूँ, तो वो उसका फॉर्मेट कैसा है, पहले स्टेट के दो मतलब अल्फाबेट्स, देन उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट के, जैसे फॉर एग्जाम्पल MH 25, तो 25 विल इंडिकेट विच डिस्ट्रिक्ट और विच टाउन दैट पर्टिकुलर व्हीकल इज बिलोंगिंग। MH इंडिकेट्स द स्टेट विच इज इट इज बिलोंगिंग। देन सपोज ES, तो वो सीक्वेंस जब वो गाड़ी रजिस्टर हुई उसके बाद में 4 डिजिट्स, तो ये पैटर्न में अगर आपने इनपुट दिया तो वो वैलिड इनपुट रहेगा फॉर व्हीकल नंबर। बट अगर इस पैटर्न में नहीं दिया तो इट शुड गेट जनरेट सर्टन एरर्स, क्योंकि लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो इट शुड नॉट अलाउ दैट। सेम जैसे फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी का भी एक फॉर्मेट होता है, a.b@ सपोज a@b.com, ऐसा मिनिमम होना चाहिए। तो अगर वैसा नहीं लिखा है तो फिर क्या, दैट शुड जनरेट अ एरर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रेंज। जैसे आपने कोई वैल्यू है, सपोज आप मार्क्स की एंट्री चाह रहे हो, तो इट शुड रेंज फ्रॉम 0 to 10 सपोज। तो अगर कोई बंदा 11 डाल रहा है या 11 एंड अबव डाल रहा है, तो शुड इट टेक दैट वैल्यू, नो। और 0 के लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यूज डाल रहा है तो भी उसे लेना चाहिए क्या। तो ये सब आपको पहले से ही डिजाइनिंग में वो चीजें मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो इनपुट के समय रेस्ट्रिक्ट अगर डिजाइनिंग में हुआ तो वैसे ही वो वैसा का वैसा, मतलब जैसा आपने डिजाइन में जो जो चीजें लिखी है उसको देख के ही आगे कोडिंग वाली टीम डिजाइन करे, उसका कोडिंग लिखेगी, ठीक है। देन जैसे कुछ लॉजिकल रीजंस होने चाहिए, मतलब कैसे, जैसे डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डेट ऑफ बर्थ में से सबसे पहले क्या आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पहली होनी चाहिए फॉलोड बाय डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड बी ग्रेटर देन द डेट ऑफ बर्थ, राइट? इट शुड नॉट बी द प्री डेट ऑफ वर्कर्स बर्थ जो डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके के रीजनेबलनेस वो सेंस उस पर्टिकुलर डिजाइन करते समय, उस पर्टिकुलर इनपुट को डिजाइन करते समय लेना चाहिए। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट शुड नॉट बी देयर बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये कंस्ट्रेंट्स बराबर, ये चेक्स बराबर उस पर्टिकुलर इनपुट को लेते समय चेक किए हैं कि नहीं किए हैं, डिजाइन देते समय वो चेक किए हैं कि नहीं किए हैं, ये हमको पहले से देखना होता है, ठीक है? देन कंसिस्टेंसी, डेटा वैल्यू कैन बी चेक बाय वेरीफाइंग देम फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज। जैसे अगर मैं सपोज कीबोर्ड से टाइप कर रही हूँ फ्रॉम द लैपटॉप और हार्ड डेस्कटॉप, तो डेटा कैसा आ रहा है, और अगर मैं किसी मोबाइल से डेटा इनपुट कर रही हूँ तो डेटा कैसा आ रहा है, या जैसे मैं खुद मैन्युअली टाइप कर रही हूँ तो डेटा कैसे आ रहा है। और कभी कभी कुछ कुछ एप्लीकेशंस अलाउ करते हैं आपको स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्शन में, तो जब भी आपका डेटा इनपुट में आ रहा है तो इज इट कंसिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स दैट इज टेकन फॉर फर्स्ट टाइम, और कोई और अगर सोर्सेस हैं तो वो भी, उससे भी जो डेटा आ रहा है वो एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा ही आ रहा है कि नहीं, दैट मेंशन दैट शुड बी सीन इन कंसिस्टेंसी। देन सीक्वेंस शुड बी वेरी प्रॉपरली मेंटेन्ड व्हाइल यू आर जनरेटिंग द डिजाइंस।
फॉर इनपुट डिजाइन। पहला है कि आपका कोई भी, जैसे फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट के बाद जो सेकंड रिक्वायर्ड होना चाहिए वो बराबर सेकंड नंबर हुआ कि नहीं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ताकि क्या होगा कि जब एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स जनरेट होंगे या सीक्वेंस ऑफ इनपुट पेज जनरेट होंगे तो एक आधा कुछ मिसिंग है क्या, वो भी आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि जो डिजाइन टीम है वो अलग है और जो कोडिंग या टेस्टिंग टीम है वो अलग है, बट दे विल फॉलो व्हाट यू हैव डॉक्यूमेंटेड इन इनपुट डिजाइन। तो अगर इनपुट डिजाइन में प्रॉपरली है वही सीक्वेंस से वो लोग कोडिंग करेंगे, तो कहीं कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा है, ये भी आप लोगों को ध्यान में आएगा अगर हम प्रॉपर सीक्वेंस उसका मेंटेन करते हैं। देन अ वैलिडिटी टेस्ट फॉर सीक्वेंसिंग वुड आइडेंटिफाई इफ एनी ऑफ द इनपुट पेज और इनपुट फॉर्म इज मिसिंग और नॉट, ठीक है। देन कितने ट्रांजेक्शंस लगने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके लिए एक सिस्टम डिजाइन करनी है जिसमें एडमिशन सिस्टम है। अब उसमें आप जो इनपुट दे रहे हो डेटा का, वो इनपुट किस तरीके से और किस काउंट से आ रहा है, मतलब आपने कितनी बार टाइप किया, कितनी बार सबमिट पे क्लिक किया, कितनी बार सेव पे क्लिक किया, कौन से इसका क्या मीनिंग आएगा, ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद टोटल कितने ट्रांजेक्शन्स लगे तुमको फ्रॉम टाइपिंग योर डेटा एंड सबमिटिंग इट इन एंड आउट, मतलब आपने मेरे इधर कीड अप कुछ डेटा टाइप किया और वो मेरे इधर जाके सेव हुआ कुछ प्रोसेस होने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नेम टाइप किया, आपने स्मॉल लेटर्स में टाइप किया, बट प्रोसेसिंग करते समय ना मुझे अगर स्टोर करके रखना है डेटा वो कैपिटल फॉर्मेट्स में, तो मैं क्या करूंगी, जो आपने अल्फाबेटिकली स्मॉल लेटर्स में टाइप किया है उसको कन्वर्ट करूंगी, यानी उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करूंगी, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो ऐसे कितने ट्रांजेक्शंस लगने वाले हैं, तो उस हिसाब से अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस पे काम करें तो एक आधा अगर ट्रांजेक्शन मिस होता है तो उस समय कुछ तो छूट गया है, ये आइडेंटिफाई होगा इफ द टोटल काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस डोंट मैच। देन चेक डिजिट वैलिडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर आप टाइप करते समय 0 to 9 टाइप होना चाहिए, ठीक है, या पर्टिकुलर कोड में जैसे नागपुर का कोड है 0712, तो ये 0712 ये इसी सीक्वेंस में और 0712 ही अगर टाइप होता है तो देन इट विल बी एक्सेप्टेड एज इट इज नागपुर कोड, अदरवाइज इट विल जनरेट एरर। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम हर डिजिट को वैलिडेट करेंगे कि 0 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 2 आया है कि नहीं आया। तो दिस टाइप ऑफ कोड इज कॉल्ड एज